आप सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन, हम आपको बता रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। देश भर में बने मौसमी सिस्टम, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्व हिस्सों और बिहार के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है। 1 जनवरी तक एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, विदर्भ के कुछ और हिस्सों, पूर्व यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम और राजस्थान के कुछ हिस्सों में छिटपुट स्थानों के साथ हल्की बारिश हुई। दिल्ली और NCR, गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान तटे, तमिलनाडु तटे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई। गुजरात, दिल्ली, पंजाब के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। विदर्भ, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि देखी गई। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ मध्यम स्थानों के साथ हल्की बारिश संभव है। तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना है। देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। गंगा के मैदानी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा भी संभव है।